हेलो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 चैप्टर सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में आपके पास यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल ADC, और सेंटर से ज्वाइन है A और C। यहाँ पर एक पॉइंट है इन द आर्क CA, दैट इज B। B को यदि हम O से ज्वाइन करें, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 30। आपको एंगल ADC निकालना है। दोस्तों, आप में से काफी बच्चों को जब ये मैं फिगर बना रहा था तभी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए समझते हैं। हेयर आर्क CA मेक्स एंगल ADC इन आर्क AC। तो पहले स्टेप में ही आपको समझ में आ गया कि मेजर ऑफ आर्क CA इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, या इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। रीजन मैं यहां नहीं लिख रहा, लेकिन आपको लिखना है द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। दोस्तों, जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहां बोली है, मैं इस थ्योरम की बात कर रहा हूं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। The angle made by arc at the center is double the angle made by the same arc in the remaining portion of the circle. इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर इस थ्योरम को जरूर करिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जनरली ये 4 मार्क्स की स्कूल्स में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एंगल ए और सी दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, सो एंगल ADC इज 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल्स का, क्लास 9 का। आइए करते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। दोस्तों, एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल में ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ए बी कॉर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए। क्वेश्चन में ए ओ इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू ओ बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑल्सो एट द मेजर आर्क। दोस्तों, ये सर्कल की डायरेक्शन है, ये पॉइंट P आर्क AB पर है जो कि माइनर है, ये पॉइंट Q आर्क BA में है जो कि मेजर है। हमें एंगल APB निकालना है और हमें एंगल AQB निकालना है। इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ, इसको 2 मार्क कर देता हूँ। यानी एंगल APB मीन्स एंगल 1 इज इन आर्क AB एंड एंगल AQB यानी एंगल 2 इज इन आर्क BA। ये हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं। ओके, आइए करते हैं। बिकॉज AOB आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल आपका जो 3 है ये 60 डिग्री है। बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, इसका मतलब एंगल 3 60 डिग्री का है, जिसको हम एंगल AOB भी बोल सकते हैं। तो यहां दोस्तों हम यही वाली थ्योरम लगाएंगे, द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर यानी AOB
is twice the angle made by the same arc in the remaining portion of the circle, यानी ए क्यू बी। यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो मैंने बोली है अभी, द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो क्योंकि आपका ये एंगल 60 है तो एंगल ए क्यू बी आप निकाल लेंगे बहुत जल्दी से, 30 डिग्री, यानी आपका एंगल 2 30 डिग्री आ गया। दोस्तों सबको मालूम है ए क्यू बी पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जब आपके क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सेम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पे लाई करें। तो एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए पी बी इज 180, यानी क्वेश्चन में 30 प्लस एंगल ए पी बी इज 180। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए पी बी 150 आ गया दोस्तों, यानी आपका एंगल 150 आ गया। तो हमने ये दोनों पार्ट कर लिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 3। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम 1 to 12 सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इस थर्ड क्वेश्चन में क्या आइए देखते हैं एक बार। आइए एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में आपको सेंटर वो दिया हुआ है, और एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये एंगल 100 है और यहां पर एक कॉर्ड है पी आर जो ज्वाइंट है। आपको एंगल ओ पी आर निकालना है, यानी एंगल 1। एंगल ओ पी आर यानी एंगल 1 मिसिंग है जो आपको क्वेश्चन में वांटेड है और सेंटर वो है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में इस एंगल को 80 डिग्री ले लेते हैं, वो समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो कि नहीं है। इसको मैं एंगल 2 मार्क कर रहा हूँ और इसको मैं एंगल 3 मार्क कर रहा हूँ और इस एंगल को मैं मार्क कर रहा हूँ एंगल 4। इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाना चाहता हूँ। देखिए एंगल जो क्यू है वो आर्क आर पी में बन रहा है और आर्क आर पी का सेंट्रल एंगल 2 है और आर्क पी आर का सेंट्रल एंगल 4 है। पी आर जो है वो मेक्स एंगल पी क्यू आर इन आर्क आर पी, यानी सेम वही थ्योरम, मैं इसी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। The angle made by arc at the center is angle 4 is twice the angle made by the arc in the remaining portion of the circle. ये आप स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, यानी एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ 100, इट मीन्स एंगल 4 इज 200। एंड सबको मालूम है एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज होल एंगल। होल एंगल मतलब इट इज कंप्लीट एंगल, सो इट इज 360। सो एंगल 2 इज 160 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। काइंडली राइट पूरा, डोंट राइट ASP। So angle 1 and angle 3 are equal because OP is equal to OR, they are radius, and angle 1 is equal to angle 3. If two sides are equal then their opposite angles are equal. So twice of angle 1 plus angle 2, and angle 2 is 160 degree. So it is twice of angle 1 is 20 degree, so angle 1 is 10 degree. So hence we found the angle OPR.
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.5। इस वीडियो सीरीज में हम 1 to 12 सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और आपको एक कॉर्ड दी हुई है BC, और आपको यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है D और A, इसको ज्वाइन करा हुआ है। आपको एंगल 69 यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। मैं इसको शेड करता हूँ पूरा। ये एंगल आपको 69 दिया हुआ है दोस्तों, और ये एंगल इतना 31 दिया हुआ है। आपको एंगल BDC निकालना है, एंगल 1। इसको मैं एंगल 2 मार्क करता हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको डायमीटर ले लेंगे जल्दबाजी में, और एंगल 1 धड़ल्ले से हो गया 90 डिग्री, आंसर निकाल दिया। ऐसा आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ BC एक कॉर्ड है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दूं कि क्वेश्चन में आपको एंगल BDC निकालना है जो कि एंगल 1 है, एंड क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इन दोनों की सेगमेंट है BC, इन दोनों को BC बना रहे हैं, दोनों CB में बन रहे हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हमारे को एंगल 2 निकालना है। और एंगल 2 निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ट्राइंगल BAC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आपका एंगल 2 निकल गया। तो एंगल 2 इज नथिंग, इट इज जस्ट 80 डिग्री। तो एंगल 1 इज ऑल्सो 80 बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल BDC इज 80 डिग्री। दोस्तों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो सीरीज में हम 1 to 12 सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में आपको एक कॉर्ड दे रखी है BC और दो पॉइंट हैं D और A इन द सेगमेंट CB जो कि C और B से ज्वाइंड है, और वो मिल रहे हैं पॉइंट E पर, और ये वाला एंगल 130 है और ये वाला एंगल 20 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको एंगल BAC निकालना है, एंगल 1। आपको एंगल BAC निकालना है यानी एंगल 1 जो कि मिसिंग है क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हिंट वही है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि इसको BC बना रही है। इसमें आपको BC को डायमीटर नहीं लेना, BC एक जस्ट कॉर्ड है, और क्वेश्चन में आपको एंगल 1 निकालना है, और 1 तभी निकलेगा जब 2 निकलेगा। सबको मालूम है BED इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ एक एंगल 3 मार्क कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला एंगल। ओके, सो 130 प्लस एंगल 3 इज 180, इट्स लीनियर पेयर, पूरा लिखिएगा। एंगल 350 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का। सेकंड स्टेप आपको मालूम पड़ गया, इन ट्राइंगल EDC इफ यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी यू आर एबल टू फाइंड एंगल 2। तो एंगल 2 आपके लिए निकालना बहुत आसान हो गया दोस्तों। आपने खाली कुछ नहीं करना, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी, और एंगल 2 आ गया आपका 110। जैसे एंगल 2 110 आया तो यू आर एबल टू फाइंड एंगल 1 ऑल्सो, बिकॉज एंगल 110 एंगल 2 एंड एंगल 2 इज नाउ 110, तो एंगल 1 इज ऑल्सो 110, तो हेंस एंगल BAC इज 110। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपको
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फिगर आपको खुद बनानी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ दोस्तों, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, और एंगल ए बी सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। क्वेश्चन में डी बी सी एक एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में एंगल बी ए सी 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें एंगल बी सी डी निकालना है दोस्तों, बी सी डी निकालना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी ऑल्सो। क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दोस्तों एंगल बी सी डी निकालना है, बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है, और फिर आपको कंडीशन दिया है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी ऑल्सो, इतना एंगल भी निकालना है अलग से। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल डी बी सी दिया हुआ है 70, तो एंगल डी ए सी भी 70 आया। आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल डी ए सी 70 आ गया, ये वाला एंगल आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब यदि हम ध्यान से देखें कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इज 180। यहाँ भी आप एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, और डी ए बी आपका हो गया 70 प्लस 30, बिकॉज एंगल डी ए बी इज एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी जो कि गिवन था। तो ये आपने 70 निकाला और ये आपको गिवन था, तो पूरा हो गया 100, तभी हमने यहाँ 100 लिख लिया। तो एंगल बी सी डी आपका आ जाएगा दोस्तों, एंगल बी सी डी इज 80 डिग्री। तो क्वेश्चन का ये वाला स्टेप तो हो गया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, और बी ए सी आपको दिया हुआ 30, तो 30 इज बी सी ए, एंड जो एंगल बी सी ए है वही एंगल बी सी ई भी है, तो ये आपका 30 हो गया। और आपको क्वेश्चन में एंगल ई सी डी निकालना है, स्टार्टिंग में शायद मैंने यहां मार्क कर दिया था, ई सी डी ये वाला एंगल है, तो पूरे एंगल में से आपको ई सी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एंगल जो आपका बी सी डी है, बी सी डी में से आप बी सी ई माइनस कर दीजिए, 80 में 30 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50, तो एंगल ई सी डी भी आपका निकल गया। एक आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सर्कल चैप्टर के अंदर आपका थोड़ा वो लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत यूज होती हैं, क्योंकि एक ज्योमेट्री का चैप्टर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 10.5, एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल्स क्लास 9। इस वीडियो सीरीज में करेंगे हम क्वेश्चन 1 to 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि डायगनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इफ देन यू हैव टू शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। तो बड़ा एक कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, सब कुछ बड़ा अंडरस्टूड सा है इस क्वेश्चन में, कि फिगर थोड़ी सी हमने विदाउट स्केल बनाई है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके जो डायगनल्स हैं
वो डायमीटर्स हैं, यानी ये पॉइंट सेंटर है, और आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, यानी गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वेयर ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर्स. आपको डायमीटर्स दिए हुए हैं, जबकि वो हैं डायगनल्स बट वो डायमीटर्स हैं. तो ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, ये भी गिवन है. और आपको टू प्रूव है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल. देखिए, कोई भी क्वाड्रिलैटरल सीधा तो रेक्टेंगल प्रूव नहीं होता, पहले उसको प्रूव करना पड़ता है पैरेललोग्राम. और यदि पैरेललोग्राम का एक एंगल हो जाए आपका 90 डिग्री, देन दैट पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल. ये बात आपको अच्छी तरह पता है. आइए एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं. थोड़ा प्रूफ को थोड़ा मैं समझाऊंगा और आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा, और इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पूरी वीडियो सीरीज कैसी लगी. आपको इसको बिल्कुल एंड तक देखना है और ध्यान देना है. यहाँ पर ए सी इज अ डायमीटर, तो इफ ए सी इज अ डायमीटर देन दिस एंगल इज 90 डिग्री. एंगल ए बी सी यानी एंगल बी इज 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री बिकॉज ए सी इज अ डायमीटर. ऐसे ही बी डी इज अ डायमीटर, तो एंगल दिस एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री. एंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ दी अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180, सो एंगल डी इज ऑल्सो 90. एंड सेम हेयर सी प्लस ए इज 180 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए इज ऑल्सो 90. सो हुआ क्या, हुआ ये कि इस क्वाड्रिलैटरल के ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है. इसका मतलब बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो क्वाड्रिलैटरल विच इज साइक्लिक इज नाउ बिकम्स अ पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल्स 90. वैसे तो सारे ही 90 हैं बट हमारे को तो एक ही चाहिए होता 90. इफ वन एंगल इज 90, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. आई होप आपको इस समय में आया होगा दोस्तों. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का स्कूलों में आता है. क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, आपको शो करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. ये आपका नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल. देखिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी. आपको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है. आपको प्रूफ करना है दिस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी आपको प्रूफ करना है ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक हैं. कॉनसाइक्लिक वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ब्यूटीफुल सर्कल पास होता है, एंड व्हेन द पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक एंड व्हेन यू ज्वाइन देम इट्स मेक्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी. वो कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ. आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी मीट्स डीसी एट ई. यानी आपने एक लाइन बनाई है पैरेलल और वो डीसी को ई पर काट रही है. आइए अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ
प्रूफ क्या है दोस्तों, ये कुछ एंगल हमने मार्क करे हैं। क्वेश्चन में आपको पता है कि ए बी इज ऑलरेडी पैरेलल टू डी सी, तो वी कैन से दैट डी ई, बिकॉज जब ए बी इसके पैरेलल होगा तो इसके भी होगा। एंड क्वेश्चन में बी ई इज पैरेलल टू ए डी, देन क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट नाउ ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए डी इज इक्वल टू बी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हेयर दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा आप। एंड गिवन दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑल्सो, इट इज गिवन। सो बी सी एंड बी ई आर इक्वल विद द हेल्प ऑफ, इफ यू मार्क दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, तो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्टेप वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू बी। इन फिफ्थ स्टेप एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर विद द हेल्प ऑफ फोर्थ स्टेप। If two sides are equal, then their opposite angles are also equal. And we know that, हमें इसको cyclic प्रूव करना है, तो हमें angle 1 और angle 4 का सम 180 लाना है, क्योंकि जब opposite angle का सम supplementary आएगा तो वो quadrilateral cyclic प्रूव हो जाएगा। तो हमें 1 और 4 का सम 180 लाना है। तो क्या करें दोस्तों, हमें मालूम है angle 2 plus angle 3 180 है। क्यों है भैया? लीनियर पेयर, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, डी ई सी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 2 प्लस 3 का सम 180 है। अरे भाई लोगों, 2 के इक्वल 1 है। क्यों है 2 के इक्वल 1? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड 3 के इक्वल कौन है? 4, तो 1 प्लस 4 का सम 180 आ गया। तो जैसे ही 1 प्लस 4 का सम 180 आ गया, तो ए बी सी डी बिकम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, इफ सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम्स साइक्लिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से एक ब्यूटीफुल सर्कल पास होगा। आपको बनाना नहीं है, खाली समझा रहा हूं। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 10.5 का। इस क्वेश्चन की एक बार मैंने जान के आपको जूम करके दिखाया, एक बार इस क्वेश्चन की फिगर दिखानी थी आप लोगों को। आइए फिगर बनाते हैं। अभी यहाँ सर्कल बनाएंगे विदाउट स्केल। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, एक हमने दूसरा सर्कल बनाया। यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है ए बी डी, और एक लाइन जा रही है पी बी क्यू। हमें यहां पर एक पॉइंट सी दिया हुआ, बिकॉज दी टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड पॉइंट बी एंड सी, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, और थ्रू बी टू लाइंस ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड डी एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमने सी को ज्वाइन करना है एक बार डी से, एक बार क्यू से, एक बार पी से करना है, और एक बार सी से करना है। हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी दिस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। और आइए देखते हैं, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 की वीडियो सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1-12 सारे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इस क्वेश्चन में 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होने वाला है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा स्पीड से।
एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है दोस्तों, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल बिकॉज ये दोनों एंगल, ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल एक ही आर्क बना रही है, ये वाली, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, आर्क का नाम है पी ए। ऐसे ही ध्यान से देखिए, जो आर्क क्यू डी है तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, सेम एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल स्टेटमेंट आप देखेंगे तो थर्ड स्टेप में आएगा, वन थ्री के इक्वल है और टू फोर के इक्वल है। थर्ड स्टेप में आपको पता है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों इन तीनों स्टेप की मदद से फोर्थ स्टेप में आपको पता है क्या आने वाला है। फोर्थ स्टेप में आप लिखेंगे वन थ्री के इक्वल है, टू फोर के इक्वल है, और थ्री और फोर ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसका मतलब वन और टू इक्वल हो गए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन में रीजन लिखने बहुत जरूरी है दोस्तों, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाई ऑन अ थर्ड साइड। दोस्तों पहले मैं सर्कल वन और सर्कल टू बना लेता हूँ। ये मैंने विदाउट स्केल फिगर बनाई है, मतलब कॉम्पस से नहीं बनाई, आप प्रॉपर बनाइएगा। और यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसकी इस साइड को हमें डायमीटर लेना है और हमें उसकी इस साइड को भी डायमीटर लेना है। हमें प्रूव करना है कि जब वो पास होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी सर्कल के, यानी ये सर्कल दो जगह कट रहे हैं ए और डी, और हमें प्रूव करना है कि वहाँ से पास होगी। वैसे मैं आपको बता दूंगा, यदि आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को बनाओगे ना तो 100% पास होगी, आप बना के देखिएगा, बिकॉज दीज सर्कल्स आर एनी टू सर्कल्स, दीज सर्कल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट, मतलब इनके जरूरी नहीं है कि रेडियस या डायमीटर इक्वल हो। तो क्वेश्चन में हम क्या ले रहे हैं, बिकॉज ए बी को आपने लिया है इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सो एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। आपको रीजन मालूम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ राइट एंगल। सेम हम लिख रहे हैं ए सी इज अ डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, आप यहाँ सेंटर ओ मार्क कर सकते हैं और यहाँ ओ डैश, तो ए सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ डैश, सो एंगल ए डी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, सो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, सो वी कैन से दैट बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हेंस पॉइंट डी मस्ट लाइज ऑन द साइड थर्ड साइड बी सी। तो दोस्तों एक थ्योरी का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसको यदि आप प्रैक्टिकली भी बनाएंगे ना तो ये दोनों सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पे तो थर्ड साइड पे ही आएगा जो ये वाला पॉइंट डी आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.5 का। इसमें दो केस लेने पड़ेंगे और ज़्यादातर बच्चे एक केस लेके करते हैं, तो इसमें दो केस लेने पड़ेंगे। आइए करते हैं केस नंबर 1। इस क्वेश्चन में दो केस बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपोटेन्यूस ले रहे हैं एसी और दो पॉइंट्स ले रहे हैं बीओडी सेम साइड ऑफ एसी और दोनों दिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है एंगल
CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये क्वेश्चन में आपका टू प्रूफ है, यानी मैं यहाँ देखूँ एंगल CAD ये रहा और एंगल CBD ये रहा, और क्वेश्चन में आपको ये दो 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ शेड कर दिया है। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, एंगल 3 और एंगल 4। और एंगल आपको प्रूफ जो करने हैं वो CAD और CBD इक्वल प्रूफ करने हैं। जो प्रूफ करने हैं एंगल 1 और एंगल 2, यानी एंगल CAD और एंगल CBD प्रूफ करने हैं। यानी दोस्तों आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एंगल 3 और 4 एंगल इक्वल दिए हुए हैं 90 डिग्री के, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक थ्योरम होती है दोस्तों, वो मैं आपको शेयर करूंगा। हेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ईच 90 विच इज मेड बाय सेगमेंट AC, सो पॉइंट्स AC, BC and D are concyclic। वो क्या होती है दोस्तों लैंग्वेज, एक बार आप ध्यान से समझेंगे वो लैंग्वेज क्या है। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, if a line segment joining two points subtend equal angles on the same side of it, then four points are said to be concyclic। yani iske upar se circle pass karega, ye charon points concyclic kehlayenge। जरूरी नहीं कि वो एंगल 90 के हों। यदि एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और वो इक्वल एंगल बनाती है तो वो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कहलाएंगे। इसका मतलब उन चारों पॉइंट से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा, इसका मतलब उन चारों पॉइंट्स के ऊपर से एक सर्कल पास होगा। तो अब देखिए एक सर्कल पास हो रहा है इन चारों पॉइंट से, तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो गए आपके एंगल 1 और एंगल 2। क्यों? क्योंकि अब ABCD बन चुका है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, उसके ऊपर से एक सर्कल पास हो रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। केस नंबर 2 में भी मैं आपको बता दूं क्या केस है। ये AC है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D और ये AC के अपोजिट साइड पर हैं और ये दोनों राइट एंगल हैं। ये दोनों राइट एंगल हैं, एंगल B और एंगल D। और आपको प्रूव करना है वही एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये आपका टू प्रूव है। तो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं वो लाइन, एंगल CAD तो हमें दिखाई दे रहा है और एंगल CBD ये रहा, ये हमें इक्वल करने हैं। तो इक्वल तब हो पाएंगे जब यहां से सर्कल पास करेगा। तो देखते हैं, सो हेयर एंगल ABC इज 90 एंड एंगल ADC is also 90, so angle ABC plus angle ADC is 180। यानी आप ध्यान से देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर से क्या पास कर रहा है, इसके ऊपर से पास कर रहा है एक सर्कल। क्यों? बिकॉज सम ऑफ दी अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral are supplementary, then that quadrilateral becomes a cyclic quadrilateral। इसका मतलब ABCD बन गया एक cyclic
क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है भाई, 180। जैसे ही इसके अपोजिट एंगल सम 180 आया तो ये एंगल आपके इक्वल हो गए, एंगल वन और एंगल टू। क्यों इक्वल हो गए? बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। गॉट इट? ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो सीरीज में हमने 1 to 12 सारे क्वेश्चन करे हैं और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। और इस वीडियो के एंड में जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेलोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल हमने अनस्केल बनाया है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो कि साइक्लिक है। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और हमारे को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं, यहाँ फर्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। आप रीजन पूरा लिखिएगा दोस्तों, एंड एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 है बिकॉज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इज 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 180, इसका मतलब एंगल ए आ गया आपका 90 डिग्री। तो अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एक एंगल 90 है तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आपको रीजन में लिखना होगा इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट्स अ रेक्टेंगल। आई होप